Thank you. Hanji, Hanji. Hanji. बिल्कुल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ पे मुंबई में. एक्चुअली हिंदुस्तान में पहली बार रग्बी की ट्रॉफी आई है, जिस तरह की आप लोग देख रहे हैं. इट्स द एक्चुअल रग्बी वर्ल्ड कप ट्रॉफी मेड ऑफ गोल्ड, स्पार्कलिंग, लुक्स लवली. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बचपन रग्बी खेलता था. मेरे जो इनिशियल आप कहोगे जो ईयर्स थे, जिसका मुझे आज भी फिटनेस का जुनून और पैशन है, वो सब रग्बी की बदौलत है. क्योंकि मेरे दिल्ली में मैं एक क्लब की तरफ से खेलता था रग्बी, दिल्ली हरिकन्स, और मेरे कोच हैं कुलदीप भिस जी, जिन्होंने मुझे इस स्पोर्ट में डाला. और आई थिंक इट्स द मोस्ट थ्रिलिंग स्पोर्ट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, इट्स फिटनेस ओरिएंटेड. एंड आई एम होपिंग कि इंडिया टीम मेहनत करके अगले साल जो जापान में वर्ल्ड कप है, जो भी पहली बार एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है रग्बी का, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करे और खेले. एंड विल बी चीयरिंग फॉर इंडिया. ओके सर, इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो बहुत ही अप्रिशिएट किए जाते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, अभी कबड्डी हो गए, बट रग्बी को इतना महत्व नहीं दी जाती है, तो उसके बारे में क्या क्या कहना चाहिए? वही रग्बी नई स्पोर्ट है, तो आज मैं यहाँ पे रग्बी को प्रमोट करने आया हूँ, क्योंकि आज खुद जो रग्बी फेडरेशन है हिंदुस्तान में बम्बई में इस कप को यहाँ लेके आई है कि हमारे बच्चे और लड़कियाँ, लड़का लड़की दोनों खेले इस स्पोर्ट को. आई थिंक इसमें जो फिटनेस की ज़रूरत है, इट इज़ सेकेंड टू यू नो नो अदर स्पोर्ट, बिकॉज आप कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, आप स्प्रिंट भी कर रहे हैं, आपको वेट्स भी उठाने हैं. आई मीन आई एम अ बिग फैन. मैं सेकेंड रो खुद खेलता था जब मैं 19-20 साल का था. मैंने 3 साल का रग्बी खेली, काफ़ी चोटें, काफ़ी मार वार भी खाई, बट उसी का मज़ा है, जो एक जुनून और जोश चढ़ा उस टाइम पर खेलने का. थोड़ा अच्छा भी लगता है लड़कियों को, कि जब आदमी को उससे घुसे लात पड़े होते हैं तो टफ लगते हैं. बट आज काश मैं खेल पाता, अभी टाइम नहीं मिलता है मुझे. पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जैसे बच्चे लोग खेल रहे हैं पीछे आज. ये लोग सब एक एनजीओ से भी है, और मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ रही है. पर हाँ, हिंदुस्तान के एक लेवल पे रग्बी को इतना शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, तो आज वही कोशिश है कि लोग रग्बी देखें, समझें, और होपफुली इसके फैंस बने कि आगे जाके हिंदुस्तान भी आगे खेले रग्बी. ओके, आप जैसे कि आप कॉलेज टाइम में बहुत ही खेलते थे, और हमने सुना है कि आप तब बहुत हेल्दी भी थे. हाँ, तब मैं से थोड़ा भारी भरकम था, और तभी मज़ा आता था लोगों को टैकल करने में, और सेकंड रो स्क्वाट वॉट मार के डंड बैट. अब काम की बदौलत रोल के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है, तो तब मैं खाना भी बहुत खाता था और टाइम भी बहुत मिलता था. अभी जितना टाइम मिलता है मैं फिटनेस में ज़्यादातर जिम में ही जाता हूँ, या बाहर फील्ड में कभी कोई और स्पोर्ट या आउटडोर रनिंग कर लेता हूँ. बट आई लव्ड इट. मैं कहूँ आई थिंक जो मेरी फिटनेस, आज की फिटनेस है, वो सब रग्बी की बदौलत है. तो आई एम होपिंग कि ऐसे ही ये बाकी यंगस्टर्स को यू नो इंकरेज करें, उनमें एक फिटनेस का पैशन डालें, बिकॉज इनडायरेक्टली आई फील यू नो फिटनेस एक आप में डिसिप्लिन डालता है, एक आपको यू नो अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है. एक रग्बी स्पोर्ट में आपके सब कुछ है, देयर्स डिफिकल्टी, देयर्स प्रेशर बीइंग पुट, आप हवा में जा रहे हैं, आप लोगों को टैकल कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. तो आई थिंक लाइफ के सारे इमोशंस एक रग्बी गेम में आप समेट सकते हैं. सो बहुत कुछ सीखा है, और कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया जीते आगे और खेले. अभी खेलने के लिए फिटनेस करना पड़ेगा. मैं पीछे शायद बैक्स खेलूंगा, फॉरवर्ड्स नहीं खेलूंगा क्योंकि वजन कम है थोड़ा. बट ज़रूर टच रग्बी खेल लेंगे अगर कॉन्टैक्ट ना खेले तो. हालांकि काफ़ी साल हो गए प्रैक्टिस करे हुए, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं वापस एक फील्ड में हूँ, रग्बी फील्ड में हूँ. यहाँ पे मैंने एक बहुत सालों पहले एक मैच खेला है दिल्ली हरिकन्स की तरफ से, और मतलब अच्छी यादें हैं, एंड हंसी मजाक मस्ती आप देख ही रहे हैं. ओके सर, बायोपिक का ट्रेंड चल रहा है, और बिल्कुल रिसेंटली अभी करने ही वाले. हाँ जी, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? या आई थिंक नहीं, अभी तो शुरू करेंगे हम लोग. अभी हम लोग एक और पिक्चर कर रहे हैं, एक बालाजी की लव स्टोरी है, जिसमें मैं और परिणीति चोपड़ा है, जो हम अगले 2 दिन में शुरू करने वाले हैं लखनऊ में. उसका हम टाइटल और पूरा अनाउंस करेंगे बहुत जल्द. और उसके बाद एक बायोपिक है जो विक्रम बत्रा, इसके बात कर रहे हैं. वेरी टफ रोल, आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ रोल है. काफ़ी प्रेपरेशन जारी है, जितना मैं करूँ उतना कम, बिकॉज आई फील एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि जब वो फैमिली आई थी, मिस्टर विक्रम बत्रा जी की फैमिली हमारे पास, कि उन्होंने वो देखते हैं कि मैं शायद वो रोल प्ले कर सकूँ, तो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कहानी को दर्शाना बड़े पर्दे पर. और मुझे कम से कम 2.5 से 3 साल लग गए इस पिक्चर को सेटअप करने में, स्क्रिप्ट सेशंस में, और यू नो प्रोड्यूसर्स ढूंढने में. और आज जब धर्मा प्रोडक्शन इन्वॉल्व हुआ है इसमें, और हमारे पास बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं. कुछ ही महीनों में शूटिंग शुरू होगी,
So preparation jari hai and hopefully we'll have a very good film. What do you want to say about the rumors is coming with you and Kiana? Is that you or ab, going? Everything, agar aap jo bhi padh ke agar sach hota to fir kya baat hoti? That's all I want to say. Main abhi sirf apne kaam se relationship mein hoon. Sirf uthna baithna usi mein chal raha hai aur kisi cheez ke liye mere paas time nahi hai. To yahi hai abhi. One of these for you as well. Really, thanks, man. So, reignite some memories. It's like there's a left camera and a right camera. Thank you. The last. Thank you, man. Yeah. Sorry. Thank you, man. Thank you. Thank you.